अभी जो हो रहा है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री यहाँ आए थे, एक साधारण सा कोई भी कार्यक्रम रहता, एक साधारण सा कार्यक्रम था, सिर्फ उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आए थे बनारस, लेकिन उनको बनारस एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको नजरबंद कर लिया गया और हम लोग को भी यहाँ होटल में नजरबंद कर लिया गया है ना। इनके कार्यकर्ताओं में ज्यादा आक्रोश है, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग फिर इसके बाद कभी एक बाद में एक अच्छा परमिशन लेके हम लोग बड़ा कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे कि VIP क्या है। VIP आ चुका है उत्तर प्रदेश में और अपना जगह बिखर के जाएगा। साहनी जी, जिस तरह का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था आप लोगों का आज? बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मंत्री जी संबोधित करना चाहते आज पूरन देवी के शहादत दिवस के अवसर पर एक संबोधन देना चाहते थे मंत्री जी यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के हमारे समाज के लोगों को संगठित होने के लिए संवाद देना चाहते थे। नहीं, आप लोगों का अभी सूजाबाद में जो तीन दिन पहले हमारा पोस्टपोन हो चुका था, उसके लिए परमिशन नहीं मिला था जी। अभी हम भीड़ को शांत करके इन लोगों का सबको ये निकलवाते हैं, फिर हम लोग आराम से आप लोग मीडिया वाले से। लेकिन आप लोगों के कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल का कितना उल्लंघन किया गया, क्योंकि तमाम लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं। मास्क तो सभी लोग लगाए हैं। कहाँ लगाए हैं? आपके सामने ही अगल बगल है, तमाम लोग हैं, तमाम कहाँ मास्क लगाए? आपसे बात करने के लिए बिना मास्क कैसे बात? सभी लोग मास्क लगाए। आपसे बात से बात करते हैं, मास्क हटाना मास्क लगाए हम लोग कोविड का। तो यहाँ तो प्रशासन की टीम भी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, पूरा पालन कर रहे हैं प्रशासन, हम लोग जाते कर रहे हैं। आज जो यहाँ हो रहा है, आज जो यहाँ हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार जो किया है, बहुत गलत किया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी एयरपोर्ट पे में रोक लिया गया और पूरे दिन हमारे जहाँ जहाँ हमारे पार्टी के पदाधिकारी बस नेता गए थे, सबको हॉस्पिटल करके रखा गया। ये गलत है, जबकि जब आप मुझे जिस चीज़ का परमिशन नहीं दिए है, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, तो क्यों आप हमें इतना परेशान कर रहे हैं? आपने बोला पूरा दिन शहादत दिवस नहीं मनाना है, मूर्ति नहीं लगाना है, हमने नहीं लगाया, हमने नहीं मनाया, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात है। मंत्री जी आ रहे एयरपोर्ट पर, आ रहा है, पानी नहीं दे रहे, ये ताना सही है ना उत्तर प्रदेश की सरकार को? अभी इससे ज़्यादा क्या बोलिए, जो भी कर रहे हैं हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे पार्टी के साथ गलत कर रहे हैं, हमारे नेतागण के साथ गलत कर रहे हैं। इसको लेकर आवाज उठाएंगे आप लोग? आप बिल्कुल आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? क्या करेंगे? बिहार में आपकी सरकार भी है, बिहार में हमारी सरकार है, हमारे मंत्री जी बात कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी जो हमें आदेश देंगे, जो हमें बताएंगे, उस तरीके से हम काम करेंगे। फिलहाल उनका इंतजार कर रहे हैं, उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वहाँ से आदेश आ जाएंगे उस तरीके का काम करेंगे। लेकिन ये जो भी चीज़ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ये समझाएंगे आपको। वीरांगना फूलन देवी जी की प्रतिमा का स्थापना करना चाहते थे, लेकिन राज्य सरकार ने हमें कहा कि अभी आपको नहीं करने देंगे, और जब उन्होंने हमें मना किया तो हम लोगों ने माना, हमने कहा कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे। आज शहादत दिवस है फूलन देवी जी का, और आज हम लोग बिल्कुल जैसा हमें निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से वो हमने माना। यहाँ सिर्फ 50 लोगों के लिए का प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त थी, वो हम यहाँ कर रहे हैं, वो भी करने में सरकार बाधा डाल रही है। विकासशील इंसान पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, उससे सरकार को ऐसा लगता है कि वो परेशानी में आ गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिमेन कर दिया, ये कर दिया गया, एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, उनको आने नहीं दिया गया। बिहार सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रोक लिया गया है, एयरपोर्ट पे नहीं है। आज हमारे यहाँ कितने लोग, काफ़ी लोग जो हमारे अच्छे अधिकारी हैं, चूँकि सरकार की तरफ से आदेश था कि ज़्यादा लोगों को नहीं लाना है, तो हम लोग आज सुबह में सिर्फ अपने मंत्री को रिसीव करने जाते और बहुत चुने हुए लोग जाते, वो भी नहीं जाने दिया गया। हमारे सारे अधिकारियों को नज़रबंद कर लिया गया, और ये बगल में जो होटल है वहाँ सुबह से नज़रबंद किया गया। हमारे कई अधिकारियों को रास्ते में रोक लिया गया, जबकि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पार्टी है। बिहार सरकार में हम लोग बिल्कुल NDA के साथ हैं, और यहाँ पे अगर इस तरह का अन्याय हम लोग के साथ होगा तो ये बहुत अनुचित है। आज हम लोगों के दिल पे इसका एक, और हम लोग जो काम था वो श्री
वीरांगना फूलन देवी जी का की स्थापना करना चाह रहे थे, उनके प्रतिमा का स्थापना करना चाह रहे थे, उन शहादत बनाना चाह रहे थे, उसके लिए सरकार को हमें समझ में नहीं आता कि उनको क्या चिंता है, क्यों हमें हमें को परेशान किया गया, हमारे हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को परेशान किया गया, हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक लिया गया है। किस तरीके से बीजेपी अपना स्थान बनाएगी, क्या सर आगे का एजेंडा होगा, क्या प्लानिंग होगा? देखिए, हम लोगों ने जैसे ही शुरुआत की थी अपनी, जैसे ही हम लोगों ने किया, बिहार में भी जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो हम लोग बहुत ही प्लान्ड वे में हमने 100 वहाँ पे भी चिन्हित करा था, यहाँ पे भी हमने 160 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र को चिन्हित किया है। देखिए, हमारी पार्टी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण मकसद है वो ये है कि निषाद समाज को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। निषाद समाज वंचित है, मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहे हैं। जब वेस्ट बंगाल में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, दिल्ली में उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार में सरकार की तरफ से ये नोटिस दिया भी गया और दिल्ली भेजा भी गया है कि अनुशंसा की गई है, वहाँ कुछ क्वेरीज है जो वापस आया है जिसका जवाब तैयार किया जा रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग बहुत क्लियर हैं, निषाद समाज के आरक्षण की बात जो दल करेगा, जो गठबंधन करेगा, हम उनके साथ रहेंगे। बताइए सर, बता के बताइए, रहने दो राजू, आ जाओ, आप लोग करें या ना करें, आ जाओ, आइए, बताइए, रोक रहे तो बता नहीं रहे आप, अबे क्या प्रेस रोकने के लिए अधिकारियों ने कहा है? सर 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 रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।